इस चार्ट में हम ये सीखेंगे ये देख के कि कुछ गलतफहमियां कैसे हो जाती हैं लोगों को और जीवन में आगे चल के दिक्कतें कैसे होती हैं। जैसे कि चार्ट पे आप देखेंगे कि जैसे इनका ये दसवां स्थान है, ये नौवां स्थान है, 9th हाउस है, यहाँ शनि बैठे हुए हैं और इनको लगता है कि शनि यहाँ बैठे हैं तो इनको विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अभी फिलहाल वो टोक्यो में है, ये तो वो लगता है कि जब से ये जिंदगी शुरू किए हुए हैं ये इनको फायदा हरदम हुआ है, ये शनि से फायदा हुआ है, वो नीलम पहनते हैं। ये इसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे इनके चार्ट में कि शनि यहां बैठे हुए हैं, जब शनि भाग्य हाउस में बैठते हैं तो ये भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। भाग्य को ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, जो जिंदगी में चाहते हैं वो आपको मिलने में बहुत देरी होती है, भाग्य आपको किस्मत साथ देता नहीं है, ऐसे कहते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ये शनि इनके इनके विदेश लेके जाता है और इन्होंने नीलम भी पहन रखा है क्योंकि शनि का वक्री है कि ज्योतिष ने बताया कि नीलम धारण कर लीजिए। मैं कहता हूँ कि नीलम को तो छूना भी नहीं चाहिए इनको। क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि शनि जो बैठा हुआ है जगह, वो जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक क्यों नहीं है? शनि यदि भाग्य में बैठे, इसका मतलब क्या है? भाग्य कहाँ हाथ लगाते हैं आप? यहाँ हाथ लगाते कहते हैं कि ये मेरी किस्मत की बात करते हैं आप। यहाँ शनि का स्थान है। क्यों शनि का स्थान यहाँ है? विभ्यो सात रंग की बातें करते हैं, वायलेट कलर केतु का यहाँ है, इंडियो कलर शनि यहाँ है। इंडियो कलर क्या होता है? नीला और काला को मिला देते बनता है इंडियो कलर। निरांजन समाभासम रविपुत्रम इमागरम छाया मातंड संभूतम दोनों हम शनिश्वर, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। तो ये जो नीला और अंजन दर मिलकर शनि कलर बनता है, यही है गाढ़ा नीला रंग, यही है शनि का स्थान। इसको हम कहते हैं भाग्य, क्योंकि शनि हमारे ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे अच्छे कर्मों के लिए हमको सुफल देते हैं, रिवार्ड्स करते हैं, वो गलत चीज़ों के लिए हमको देते हैं पनिशमेंट। तो ये किस्मत खराब हो गया। यदि शनि की दृष्टि भाग्य हाउस में आ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए तो भाग्य आपके रोड़े अटकाता है, रोड़े अटकाता है जीवन में और प्रोग्रेस ठीक से हो नहीं पाती है। भाग्य क्या है? जैसा घर में मेन स्विच है, मेन स्विच में कोई फॉल्ट आ जाए, बाकी सभी चीज़ें घर में ठीक हो तब भी आपको दिक्कतें आएंगी। इसी प्रकार से यदि भाग्य साथ नहीं देता है तो जीवन में उन्नति होती नहीं है। ये कहते हैं कि इस शनि के कारण मैं विदेश गया, बहुत जगह में गया, बहुत बहुत कंपनी में जॉब किया, लेकिन आखिर में मिला क्या? इनका कंप्लेंट ये है कि जहाँ भी काम करता हूँ मैं, वहाँ मेरा प्रमोशन होता नहीं है, मुझे जॉब चेंज करना पड़ता है। इसलिए तो अलग अलग जॉब चेंज करते रहते हैं, अलग अलग जगह जाते रहते हैं, लेकिन आखिर में जो चाहते हैं प्रमोशन चाहते हैं, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो तो मिलता नहीं है क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रहे, क्योंकि शनि वहाँ बैठा हुआ है। शनि का वहां देखना ही खतरा है, क्योंकि शनि का मतलब क्या है? ज्योति, ज्योतिष शास्त्र का बताया ज्योति, ईश ज्योति भगवान है, लाइट की बातें कर रहे हैं। शनि की बात कर रहे तो क्या हुआ कि शनि का जो लाइट लाइट फ्रिक्वेंसी की बातें करते हैं। लाइट के अंदर देखिए, यदि आपको इसे दीवार को देखना है, कोई वस्तु को देखना है, तो आपका जो लाइट है फोकस है उस पर गिरना चाहिए, तभी तो वो प्रतिफलन होकर रिफ्लेक्शन होकर आपको आपको देख सकते हैं। यदि लाइट आपके आंखों में गिर जाए तो कैसा होगा? आप ब्लड हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शनि का दृष्टि भाग्य वाले हाउस में यहाँ हो जाए, शनि कहीं बैठा हो यहाँ दिख रहा हो तो आपका भाग्य ब्लॉक हो जाएगा, और शनि यदि भाग्य हाउस में बैठ ही जाएगा तो दिया तले अंधेरा, दीप तले अंधेरा जैसे स्थिति हो जाती है और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए इनको प्रमोशन नहीं मिले, काबिलियत होते हुए भी, परिश्रम करते हुए भी, अलग अलग जगह जाके मतलब एक काम भी करते हैं, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिलता है, इनका इनको दुख है, क्योंकि शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये दिया दिन अंधेरा अंधेरा कर रखा है, मेन स्विच में फॉल्ट पैदा कर दिया, ये समझिए आप। तो बाकी यदि जीवन में फैन है, स्विच है, टीवी है, जो भी है उसमें फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि मेन स्विच में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है देखना और समझना कि शनि जहाँ बैठा हुआ है, भाग्य में बैठेगा, देखेगा तो खराबी करेगा, तो इनको भी खराब कर रहा है, इनको उन्नति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। शनि के कारण इनको लगता है कि विदेश यात्रा कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि नीलम पहने हुए हैं, नीला पहन के बहुत बहुत जगह घूमे घूमे, लेकिन मिला क्या आपको? शनि के कारण घूमे नहीं है, घूमे हैं राहु के कारण, क्योंकि राहु यहाँ बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य हाउस को देख रहा है, भाग्य को भाग्य दिखेगा राहु, या राहु बैठेगा भाग्य हाउस में, तो इसे कहते हैं भाग्यवर्धक, भाग्यवर्धक कहते हैं इसको। तो राहु के कारण ही घूम रहे हैं, शनि के कारण नहीं घूम रहे। राहु घुमा तो रहा है लेकिन प्रोग्रेस क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि राहु और केतु ये लाइन को मैं जोड़ दूँ इस प्रकार से, तो ये आप देखेंगे कि चंद्रमा और बृहस्पति को छोड़कर, बृहस्पति चार्ट में ऑलरेडी अच्छा नहीं है, तो इनको छोड़ देने से 80% 80% काल से दोष बनता है, तो जीवन में बंधन का जो बनता है, तो मन में जो उदासीन रहती है, बंधन लगता है कि इतना करने के बावजूद मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, ये कारण है ये राहु केतु से, इस प्रकार से ये हो जाती है। तो हमें समझना चाहिए चीज़ों को, लॉजिकली समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने यूट्यूब में देखा किसी वीडियो में शनि अच्छा होता है भाग्य में बैठना। मैं कहता हूँ एकदम अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों अच्छा नहीं होता है।
यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस प्रकार के हम लाइव एग्जाम्पल्स जो हैं लोगों के चार्ट जो हमने अध्ययन किए हुए हैं, लाइव हमको कोरिलेट किए हुए देखे हुए हैं कि किस प्रकार से ये जो मैं बोलता हूँ ये पूरा अलाइंड है और सही ढंग से साबित होता है, तो इस प्रकार के वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया भी होगा आपके यदि चार्ट में ऐसा कुछ है तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों के घर वालों के, यदि आप चार्ट हैं उसमें भी आप देखें तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चार्ट यूनिक होता है, इसलिए मैं कुछ लाइव चार्ट्स लेके वीडियो बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि ये लाइव एग्जाम्पल्स होंगे, ये वेरीफाइड एग्जाम्पल्स हैं, ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि थ्योरेटिकल नॉलेज, ये एकदम वास्तव में जीवन में जो हमने अध्ययन किया हुआ है और लाइव उनसे बात किया हुआ है, उनसे फीडबैक लिया हुआ है और 100% सही पाया है, वही बात को बताने वाला हूँ आपको मैं। तो ये होगा अनुभूत ज्ञान, वेरीफाइड फिल्टर्ड नॉलेज आपको देने वाला हूँ आपको मैं। जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, ऐसे ही कोई लाइव केस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वर्ल्ड लोटस स्पिरिचुअल संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का। नमस्ते।